इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं। कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। रूस के नागरिकों ने उनके सम्मान में कृष्ण भजन गाया। इसके साथ ही भारतीय नृत्य पेश किया गया। पीएम मोदी से भारतीय प्रवासियों की मुलाकात भी हुई। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। पीएम मोदी बोले, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं। कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। रूस के नागरिकों ने उनके सम्मान में कृष्ण भजन गाया। इसके साथ ही भारतीय नृत्य पेश किया गया। पीएम मोदी से भारतीय प्रवासियों की मुलाकात भी हुई। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। पीएम मोदी बोले, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।